Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question 12 and the last question of the exercise is, consider the following population and the EL graph. आप population and EL graph देख सकते हैं. Find the slope of the line AB. आपको slope of the line AB होगा using it इस graph से. Then find what will be the population in the year 2010. और आपको ये भी बताना है कि population 2010 में कितनी होगी. Now student, मैं इसे enlarge करके आपको image दिखा देता हूँ इस graph की. तो as you can see the graph AB, A and B के coordinates दिए हुए हैं, तो बहुत easy होगा इनका slope निकालना. बट स्टूडेंट 2010 के अंदर की जो पॉपुलेशन आपको निकालनी, सिंस पॉपुलेशन क्रोर्स में दे रखी है, तो मैं क्या लेता हूँ 2010 में, अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, दिस लाइक दिस, दो इट इज नॉट अ स्ट्रेट, बट ये कहीं जाके इस लाइन को जो है कट करेगी आगे जाके, सी इज कटिंग ऑन दिस पॉइंट. तो इस पॉइंट पर हम जो कोऑर्डिनेट लेते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में सी ले लेता हूं, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2010, क्योंकि एक्स जो है वो ईयर है, एंड वाई को क्या ले लेता हूं मैं, वाई को ले लेता हूं मैं यहां पर दिस से ए, वाई को मैं ए ले लेता हूं. कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बल्कि इसे प्रॉपर वे से लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट आर दिस 2010, ए. नाउ स्टूडेंट, सिंस From the graph, A is 1985, 92 and B is 1995, 97. So slope कितना हो जाएगा, slope of line, मैं यहाँ पे B के coordinate को x2y2 and X के coordinate को x1y कर लेता हूँ, तो 119 this. पहले जो आएगा 97, x की वैल्यू यानी 97 माइनस 92 अपॉन 1995 यानी x2 माइनस x1 1985. नाउ 97 माइनस 92 इज 5 एंड 1995 एंड 85 में से जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का आ रहा है, सो दिस इज 1/2. तो स्लोप क्या हुआ, 1/2. नाउ अब C पॉइंट पर यानी 2010 की पॉपुलेशन क्या होगी, A होगी, मैंने माना लेट द पॉपुलेशन ऑफ 2010 क्या होगी इज इक्वल टू A. देयरफॉर पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2010, A. अब अगर आप निकालेंगे C और B का स्लोप, तो स्लोप क्या होगा, AB के स्लोप के इक्वल होगा, क्योंकि सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं. नाउ स्लोप ऑफ CB, मैं CB का स्लोप निकालता हूं, और यहां पहले मैं क्या ले रहा हूं, C के कोऑर्डिनेट यानी x2 y2 ले रहा हूं, तो A माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995. नाउ स्टूडेंट, ये दिस A माइनस 97 एंड this will become 50. Now, अब ये slope of CB क्या हो जाएगा? This is equal to, according to question, this A minus 97 by 15 will equal to the half. So, 2 से multiply कीजिए 2A minus, जब आप 97 की 2 में multiply कराएंगे, तो you will get 100 this. यहाँ पर जब 7 की कराएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4. And this is 50. Now, 2A is equal to 15 plus 194. And 15 plus 194, student, kitna ho jayega? This is 9 and 9 and 1, this is 20. 209. So, A ki value, this 2 se divide karayenge, this will be the 104.5 crore hogi hamari population 2010. Jibki exactly hamari population 2010 mein bahut zyada hai. So this is a population in the 2010. Now see the next question.